हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर के द्वारा जो एग्ज़ामिनेशन कराया गया था उसके रिजल्ट को डाउनलोड करना बतलाऊंगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, गूगल में सर्च करना है PSSOU रिजल्ट, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी रिजल्ट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला सर्च आपको मिलेगा एग्ज़ाम रिजल्ट, कोष्ठक में है परीक्षा परिणाम PSSOU। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेब पेज पर पहुँचेंगे। ऑफिशियल वेब पेज आपको इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना है यह ब्लू कलर के बॉक्स में जहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन रिजल्ट, परीक्षा परिणाम के लिए यहाँ क्लिक करें। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे रखी है, तो आप सीधा वहाँ पे भी जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही यह आपको एक दूसरे वेब पेज पे ले जाएगा, जिस वेब पेज पे जाकर के आप रिजल्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें अलग अलग एग्जामिनेशन के रिजल्ट दिया हुआ है, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया हुआ है उसके रिजल्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स के रिजल्ट को देखता हूँ जो कि थर्ड ईयर का है। आपको इस तरीके से एक नया पेज मिलेगा। इस पेज में आप धीरे धीरे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिजल्ट डाउनलोड करने के दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो रोल नंबर के हिसाब से और दूसरा नेम के हिसाब से। यदि आपको आपका रोल नंबर पता है तो आप रोल नंबर के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, और यदि आपको आपका नाम पता है एग्जामिनेशन वाले का तो आप उसको नाम से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं नेम से सर्च करता हूँ और मैंने नेम में सर्च किया KUMAR, मुझे किसी का नाम नहीं पता तो मैंने एक रैंडमली सर्च किया है, तो आप इसमें नाम डाल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी कुमार है उन्होंने सबका रिजल्ट शो कर दिया है, टोटल 10 रिजल्ट दिखा रहे हैं। आप इसमें से किसी का भी मतलब आप रिजल्ट को देख सकते हैं। तो आपको रिजल्ट देखने के लिए गेट पे जाना है। जैसे आप इसको टच करते हैं तो आपको गेट पे जाते हैं तो आपको इस तरीके से रिजल्ट शो होता है, और रिजल्ट शो होने के बाद आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे रिजल्ट देखने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, तो आप इसको सीधा प्रिंट भी कर सकते हैं या इसको PDF चाहे तो PDF बना करके व्हाट्सएप के किसी और माध्यम से देख सकते हैं। यदि आपको रिजल्ट डाउनलोड करने में या कोई भी टेक्निकल इशू आपके पास आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका समाधान जरूर करके बताऊंगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और जो भी इस विश्वविद्यालय से जिन्होंने एग्ज़ाम दिलाया है आप उसको यह वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे वो आप आसानी से अपने रिजल्ट को देख सकेगा।